बात सिंपल सी है, वीडियो को एंड तक देखना। लोग हो ना जो एकदम ऐसा डीमोटिवेटेड रहते हो कि यार मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने तो मॉक टेस्ट देने शुरू करे, मेरे तो स्कोर ही अभी 350 450 आ रहा है, मेरा तो इस साल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, भाई मेरे को तो ड्रॉप लेना ही। ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे मन से निकल जाएंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संडी गोयल एंड साइंस नेम इज नीट विद तन्वी, आई एम अ सेकंड फ्रॉम एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो यार देखो, आज की वीडियो के अंदर ना मैं तुम लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जैसे तुम लोग के तुम बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि दीदी अगर हमारे लास्ट मंथ में जब हम मॉक टेस्ट देने शुरू करते हैं एंड हमारे इनिशियल मॉक टेस्ट के अंदर हमारे जो स्कोर आ रहे होते हैं, क्या उसे 200 to 300 इंक्रीज करना पॉसिबल है, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ? सो द आंसर इज येस। अब तुम में से बहुत लोग सोच रहे होगे कि दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना पॉसिबल है, महीने के शुरुआत में जितने नंबर आ रहे हैं हम 200 300 कैसे इंक्रीज कर लेंगे, इतने तो हमारे पूरे साल में इंक्रीज नहीं हुए, ठीक है। एंड आई प्रोमिस यू कि मैं जो जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर कहती हूँ ना, अगर तो तुम में से 50% बच्चे भी उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, तुम्हें अपने स्कोर्स इम्प्रूव दिखेंगे ही दिखेंगे। जब मैंने अपने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरा जो स्कोर आया था वो आया था 227 एंड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई गॉट 681 मार्क्स। अब ऐसा नहीं है, जब मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर मॉक टेस्ट देने शुरू करे, मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू करे थे अप्रैल में, ठीक है, मार्च एंड या अप्रैल स्टार्ट यू कैन से, तो जब मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू करे तो जस्ट एवरी अदर नीट एस्पिरेंट मेरा जो स्कोर था वो कम आ रहा था, ठीक है, 350 450। एंड ये स्कोर तो तब बता रही हूँ मैं तुम लोग को जब मेरा उस टाइम पे 3 hour 20 minutes का एग्जाम होता था, तो जब मेरा पेपर 4 घंटे में जाके पूरा हो रहा है। स्टार्टिंग में तो जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं वो मेरे पूरे हो ही नहीं रहे थे, वो ऑन टाइम पूरे हो ही नहीं रहे थे। अगर मेरे को अपने पेपर को 3 hour 20 minutes में पूरा करना है तो मेरा पेपर 4 घंटे में जाके, 4.25 घंटे में जाके पूरा हो रहा था, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बताऊँ, मेरे जैसे अगर मैं ऐसा कैलकुलेट करूँ कि हाँ 3 hour 20 minutes हो गए हैं, उसके बाद मेरे जितने क्वेश्चन छूट गए अगर मैं उनके मार्क्स भी डिडक्ट करूँ तब तो मेरे मार्क्स और कम हो जाएंगे। मैं तो तुम लोगों को यहाँ पे जो मार्क्स बता रही हूँ वो मैं तब कैलकुलेट करके बता रही हूँ जब मेरे को इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे को कितना भी टाइम लगाओ मैंने अपने पेपर को पूरा किया है। तो यार देखो, जस्ट लाइक एवरी अदर नीट एस्पिरेंट, मैंने जो अपने मॉक टेस्ट देना शुरू करे थे ड्रॉप ईयर के अंदर वो मैंने टुवर्ड्स मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्ट में देने स्टार्ट करे थे। अब सबसे पहली चीज़ तो जो हर एक एस्पिरेंट फेस करता है वो मेरे साथ भी हुई थी कि भाई 3 hour 20 minutes का जो पेपर है वो 3 hour 20 minutes में पूरा हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं अपने टाइम पे कैसे करती थी, मैं घर पे बैठ के मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, मैं 3 hour 20 minutes का टाइमर लगाया। अब आइडियली वो उतने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए, मेरा नहीं होता था, ठीक है। तो मेरा पेपर कभी 4 घंटे में पूरा हो रहा है, कभी 4 hour 15 minutes में पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे इनिशियली जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरा स्कोर 350 to 450 के बीच में आता था, एंड ये स्कोर मैं तुम्हें तब बता रही हूँ जब मैं अपने छूटे हुए क्वेश्चंस को काउंट नहीं कर रही हूँ। जब जो मैं स्कोर कैलकुलेट करती थी वो मैं करती थी अपना पेपर पूरा करने के बाद, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे कितना भी टाइम लगा हो, 4 घंटे 4.5 hours, बट मैं अपना पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद आई यूज टू कैलकुलेट माई स्कोर। तो अब अगर तुम लोग कहोगे कि दीदी अगर तो 3 hour 20 minutes जब आपका टाइम पूरा हो गया है तो उस टाइम पे जितने आपके क्वेश्चंस छूटे हैं आप उनके नंबर भी डिडक्ट करोगे, तब तो आपके नंबर जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। उस टाइम पे मुझे दो चीजें बहुत ज्यादा फील हुई, पहला तो ये कि मेरा जो पेपर है वो ऑन टाइम पूरा हो ही नहीं रहा है, और दूसरा ये कि भाई एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी जो मेरा स्कोर बन रहा है वो 350 to 450 के बीच में ही बन रहा है, वो तब भी 500 टच तक नहीं कर रहा है। तो अब अगर कोई भी एक नॉर्मल बच्चा होगा तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करेगा, मुझे भी फील हुआ। बट मैंने यार एक और चीज़ सोची अपने मन में कि पूरे साल मैंने पढ़ा है, ठीक है, वही सेम चीज़ मैंने 11th एंड 12th में भी पढ़ी है। इसका मतलब ये है कि आता तो मुझे है पर मेरे से टाइम मैनेजमेंट, स्पीड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से मेरा जो पेपर है वो ऑन टाइम पूरा नहीं हो पा रहा है एंड मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से पेपर आते हुए भी मुझसे स्कोर नहीं किया जा रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि यार देखो, सबसे पहले तो मुझे अपनी स्पीड पे काम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा पेपर पूरा हो ही नहीं रहा है तो मेरे आने या ना आने से कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्पीड इंप्रूव करने पर काम दिया, जिसके अंदर कि मैंने और ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करे एंड और ज़्यादा मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे अलग अलग चैप्टर्स के, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मेरी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो रही है एंड मैं एकदम टाइमर लगा के कि हाँ इतना टाइम बचा है मुझे इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना ही करना है एनी हाउ, ठीक है। मेरा ऐसा होता था कि मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, मैं बार बार टाइम देख रही हूँ कि हाँ पेपर सॉल्व कर रही हूँ, टाइम देख रही हूँ, जिससे कि मुझे उतने ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना जो पेपर है उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि यार देखो, एक चीज़ होती है कि अगर आते हुए भी पेपर छूट जाए, भाई आई डोंट नो कि उससे बड़ा दुख और क्या होगा कि तुम्हें पेपर आता है बट टाइम ना होने की वजह से तुम्हारा पेपर छूट गया है,
तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी। तो मैंने ये सोचा कि यार बेशक से मैं अपना पेपर रिवाइज ना करूँ, मुझे रिवाइज करने का टाइम ना मिले, बट मुझे एनी हाउ अपने पेपर को कंप्लीट करना ही करना है। फिर दूसरी चीज़ आई मेरी टाइम मैनेजमेंट पे। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि यार देखो, सबसे पहले आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट माई सेक्शन ऑफ बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो है वो अल्टरनेटली जा सकते हैं, बट सबसे पहले क्या करना है, बायो करना है, क्योंकि बायो का सेक्शन अटेम्प्ट करने के अंदर मिनिमम टाइम लगता है एंड वहाँ से हमारे मैक्सिमम स्कोर निकल सकते हैं। क्योंकि अगेन वही सेम चीज़ की, ना तो आपको कुछ कैलकुलेशन करनी, ना तो कुछ करना, जो भी आपने बायो में आज तक लर्न करा है सिंपली आपको उसे ही एग्जीक्यूट करना है। तो मेरा ये था कि सबसे पहले मुझे बायो अटेम्प्ट करनी है एंड विद इन लाइक ऐसा 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स मेरे को अपनी बायो को पूरा कंप्लीट करना है एंड OMR भी फिल करनी है। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर, अपने मेरे नीट के एग्जाम के अंदर मैंने बायो जो है वो 40 मिनट्स के अंदर पूरी कर दी थी। उसके बाद फिर हमारी बारी आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो उसके अंदर व्हाट आई यूज टू डू इज कि दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड बी। तो सबसे पहले मेरा होता था कि मैं सेक्शन बी अटेम्प्ट करूंगी एंड उसके बाद आई विल स्किप टू सेक्शन ए, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या है, जैसे मैंने बायो पूरी एक बार में अटेम्प्ट करी, मैंने बायो की OMR फिल कर दी, उसके बाद फिजिक्स का सेक्शन बी, उसकी OMR, देन ए उसकी OMR, देन केमिस्ट्री में भी सेम चीज़। इससे मुझे क्या होता था कि हाँ, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बिल्डअप होता था कि हाँ यार, बायो के इतने सारे क्वेश्चन वो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए, उनकी OMR भी फिल कर दी है, देन सेम विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, फिजिक्स का सेक्शन बी करा तो हाँ एटलीस्ट आधी फिजिक्स तो हो गई है, ठीक है। तो लाइक जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो एट द सेम टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप है ना, वो होना भी ज़रूरी है। फिर हमारे जो चीज़ आती है वो है चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, सिली मिस्टेक्स ना करना। अब देखो, जब मुझे पता चल गया कि हाँ, मेरी जो स्पीड है वो विद डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पेपर सॉल्विंग इम्प्रूव हो चुकी है, एंड टाइम मैनेज की ये चीज़ है कि मैंने बायो को दिए हैं 30 to 40 मिनट्स एंड बाकी का मेरा जितना टाइम रहने वाला है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बीच में डिवाइडेड रहने वाला है। डिपेंडिंग ऑन यू, आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, आपके लिए दोनों बराबर है, आप दोनों को हाफ हाफ दे सकते हो, सो दैट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद अब चीज़ आती है यहाँ पे कि हाँ यार, अब मेरा सब कुछ हो गया है, नाउ द ओनली थिंग दैट आई हैव टू फोकस अपॉन इज कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ठीक है, मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो यार उसके लिए मैंने ये सोचा कि एग्जाम के टाइम पे आप जितना काम एंड कंपोज्ड रहोगे उतनी ही कम आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। अगर आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आपको एकदम काम रहना है कि हाँ यार, मेरे पास एक साल का समय था, एक साल में मैं जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी चेयर पे, सामने मेरा पेपर है, सामने मेरी OMR है, अब कुछ नहीं हो सकता। जितना मैंने पूरे साल में पढ़ लिया, पढ़ लिया, अगर मैंने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो ठीक, बट अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे को जितना आता है उसके बेसिस पे मुझे अपने पेपर को सॉल्व करना है, बिकॉज यही एक शीट है जो डिसाइड करने वाली है कि मेरा इस साल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ रहेगी ना, तो हो सकता है कि तुम थोड़े काम हो जाओ, तुम्हारी जो एंग्जाइटी है वो थोड़ी कम हो जाए। एंड वट आई थिंक इज, जब तक हमारे हाथ में हमारा पेपर नहीं आता है ना, तब तक हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हम क्या कर लें, पानी पी लें, वॉशरूम चले जाएँ, क्या कर लें। बट आई थिंक एक बार हमारे सामने पेपर आता है, हम सब भूल जाते हैं, मतलब कुछ पानी नहीं, कुछ वॉशरूम नहीं, लाइक ब्लैंक, ठीक है, बस फिर मैं हूँ, मेरा पेपर है और मेरा टाइम है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ रहेगी, तुम सिली मिस्टेक्स एकदम कम करोगे, ठीक है। लाइक यूजुअली स्ट्रेस में ही होता है यार, ठीक है, यूजुअली स्ट्रेस में होता है, 1/2 लिखना है 2 लिख दिया, प्लस करना है माइनस कर दिया, ये स्ट्रेस में ही होती हैं सारी चीज़ें। तुम्हें इन्हें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं सिली मिस्टेक की वजह से, जिसमें कि मेरा स्कोर और इंक्रीज हो सकता था। तो आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन आते हुए गलत होना बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार होता है, जिसकी तुमने 1/2 की जगह 2 लिख दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो गया है, बहुत बेकार होता है। तो तुम्हें इस टाइम पे 3 चीज़ों पे फोकस करना है, स्पीड, टाइम एंड स्ट्रेस। जो तुम्हारा मंथ स्टार्टिंग में एंड मंथ जो तुम्हारा मंथ स्टार्टिंग में एंड मंथ एंड में स्कोर आ रहा होगा ना, उसके अंदर तुम इजीली 200 मार्क्स का जंप देखोगे ही देखोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरा स्कोर 350-450 अप्रॉक्स आ रहा था, टूवर्ड्स द एंड जाके मेरा स्कोर 650 टच कर रहा था। तुम एक ह्यूज जंप देख सकते हो 200 to 300 मार्क्स का, अगर तुम इन 3 चीज़ों पे वर्क करते हो, इन 3 चीज़ों पे फोकस देते हो। सो आई होप सो, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर तुम लोगों के अभी भी कोई डाउट्स हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें और ऐसी वीडियोज चाहिए, एंड अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली, देन डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल।